हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ के कुछ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ ही साथ आपका एसएससी जीडी हो गया, आरपीएफ हो गया, हरियाणा एसएससी हो गया, इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और जो दोस्त अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़िए और अपने सभी दोस्तों को बताइएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा, बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। मैथ का 2 से 3, रीजनिंग का 9 से 10 और जीके का लाइव टेस्ट चलता है डेली रात को 11 बजे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अगर समझ में आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आपको किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए, जो भी मैं पूरे दिन में वीडियो अपलोड करता हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला ही लिंक मैंने दे रखा है टेलीग्राम का, तो वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और सारी पीडीएफ वहाँ पे मैंने अपलोड कर रखी है, वहाँ से जाके उन्हें डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। राम ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए जो कि उत्तीर्ण अंक से 20 अंक कम थे। उसी परीक्षा में श्याम ने 35% अंक प्राप्त किए जो कि उत्तीर्ण अंक से 18 अंक अधिक थे, तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक क्या है। यहाँ पे एक कंडीशन तो है कि राम 25% अंक प्राप्त करके 20 अंक से फेल हो रहा है, दूसरा बच्चा जो है श्याम वो 35% अंक प्राप्त करके 18 अंक अधिक लेके आ रहा है जितने पासिंग मार्क्स होने चाहिए, और पूछा क्या है टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जाम, यानी कि एग्जाम में टोटल मार्क्स कितने थे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो फेल हो रहा है उसको पास कर दीजिए और जो पास होने के बाद एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर है उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्या करना है, दोनों को जस्ट पास करना है। ठीक है, और इस टाइप के कई बार मैं पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूँ, अगर आपने पहले से पढ़ रखे हैं तो आपका रिविजन हो जाएगा, और अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आपका बहुत अच्छे से मैं प्रिपरेशन करा दूंगा और आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो देखिए 25 इसको परसेंट मार्क्स मिले थे और 20 अंक से फेल हो गया था, तो इसको हमने 20 अंक दे दिए और इसको पास कर दिया। फिर इधर इसको 35% अंक मिले थे और इसको 18 अंक अधिक मिल गए थे पासिंग मार्क्स से, तो इसके 18 अंक हमने काट लिए। तो अभी ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए हैं ना, ये भी पास है और ये भी पास है। अभी आपको क्या करना है, जो परसेंटेज वाली वैल्यू उसको एक साइड में ले आइए। तो यहाँ पे 35% और 25% है, एक साइड में लाएंगे तो कितना बचेगा 10%, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे 20% है और ये 18% है, इसको हम इधर लेके आएंगे तो माइनस माइनस होके दोनों प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 38। अभी आप देख के बता सकते हैं कि 10% के इक्वल आपके 38 है। ठीक है, 10% के इक्वल 38 है और एग्जाम में जो टोटल मार्क्स होंगे, पूर्णांक पूछा है ना, टोटल मार्क्स पूछा है, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे वो 100% होंगे। जब आपको 10% की वैल्यू पता है तो 100% की इजीली निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालनी है, या तो आप यहीं पे डायरेक्ट देखिए इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक्स मान लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10x, और 38 की करेंगे 100 में कितना हो जाएगा 3800। तो x की वैल्यू यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, 3800 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 380। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो यहाँ पे एक बार दूसरी चीज़ मैं समझा देता हूँ। देखिए, जब 10% की वैल्यू 38 है तो 100 की आपको निकालनी है, तो 38 को आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, जितने परसेंट की भी वैल्यू चाहिएगी आपको उतने की मल्टीप्लाई कर देनी है, ये आपका आ जाएगा 380। अब ये तो आ गए आपके टोटल मार्क्स। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन और यहीं पे बता देता हूँ किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से अगर आपकी मैं 3-4 प्रॉब्लम सोल्व कर सकता हूँ वो बेटर है। ठीक है, यहाँ पे एक आपका पूछा जा सकता है कि ये तो हो गया आपके मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, एग्जाम में कि पासिंग मार्क्स कितने होंगे, तो तब आपको क्या करना है, इसका 380 का 25% निकालिए या फिर इसका 35% निकालिए। चलिए 25% अगर आप निकालते हैं, फिर जो भी आएगा उसमें 20 प्लस कर देना है, क्योंकि ये इतने मार्क्स तो पासिंग नहीं थे ना, पासिंग होने के लिए इतने मार्क्स चाहिए थे। ठीक है, अगर आप 35% निकालेंगे तो उसमें से 18 माइनस कर दीजिएगा, ये हो जाएंगे पासिंग मार्क्स। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप बना लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है देखिए डिफरेंस वाला, सीआई और एसआई का डिफरेंस अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो वो कैसे करना है। फर्स्ट ईयर में तो कोई डिफरेंस नहीं होता है, सीआई और एसआई की अगर मैं बात करूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और आपका चक्रवर्ती ब्याज, इनमें फर्स्ट ईयर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। जो इंटरेस्ट आपका सीआई पे लगेगा फर्स्ट ईयर में अगर 100 है, वही आपका सॉरी एसआई में लगेगा, वही सीआई का भी आपका 100 ही रहेगा, फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे अगर बात की जाए आपकी प्रिंसिपल मूलधन की, यहाँ पे दे रखा है 15,000 और रेट दे रखा है आपका 12% और टी यानी कि टाइम दे रखा है 2 ईयर का, तो 2 ईयर का डिफरेंस बताना है सीआई और एसआई का। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो 3 ईयर का पूछा जा सकता है, तो वो दोनों मैं भी यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ, 2 ईयर का भी और 3 ईयर का भी। तो पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, एसआई और सीआई का डिफरेंस बताइए, तो आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। वो ट्रिक क्या है, पी
आर अपॉन में 100 का स्क्वायर, ये आपको याद रखना है बस, और कुछ भी एक्स्ट्रा याद नहीं रखना है। तो यहाँ पे आपका पी तो प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन कितना है 15,000 दे रखा है, आर आपका 12% और टाइम आपका 2 ईयर है, तो 2 ईयर का मतलब हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया है। तो इसको सोल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। पी आपका हमने रख दिया यहाँ पे 15,000, यहाँ पे 12 रखा है, 12 अपॉन में 100 का स्क्वायर, तो जब आप 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो 15,000 रहेगा, ये हो जाएगा आपका 144, सभी को पता है। और 100 का स्क्वायर भी आपको सभी को पता है कितना हो जाएगा, 10,000। अब यहाँ से 30 से 30 तो ये कट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, 10 और ऊपर 144, जब 10 से हम डिवाइड करेंगे 144 को तो 14.4 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 14.4 में तो कितना आएगा, 216 इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो बन जाएगा ना, ठीक है। चलिए अब 3 ईयर की भी बात कर लेते हैं। 3 ईयर में क्या दे रखा है, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट मान लीजिए 18,000 है, और रेट आपका 15% और टाइम आपका 3 ईयर, यानी कि 3 ईयर का बताना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, SI और CI का डिफरेंस आपको बताना है 3 ईयर का। तो यहाँ पे आपको जो अभी ऊपर मैं ट्रिक बताई है CI और SI की, वो तो आपको याद रखनी है, उसके साथ ही साथ आपको एक चीज और याद रखनी है, 300 प्लस R अपॉन में 100, ये आपको कुछ एक्स्ट्रा याद रखना है। जब भी 3 ईयर की बात की जाएगी तब आपको ये भी एड इसमें कर देना है, ज्यादा हार्ड नहीं है। 3 ईयर की बात की गई है तो समझ लीजिए 300 आपको प्लस करना है, ठीक है। बस थोड़ा सी याद रखने के लिए कि 3 ईयर की बात की जाए डिफरेंस निकालने के लिए 300 प्लस करना है, और आर अपॉन में 100 तो आपको करना ही करना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। प्रिंसिपल आपने रखा 18,000, ठीक है, 18,000, और यहाँ पे आर आपको 15/100 है, उसका कर देंगे हम स्क्वायर। यहाँ पे 300 प्लस आर कितना है, 15 है अपॉन में 100, तो इसको सोल्व करेंगे, देखिए बहुत ही आसान से ये सोल्व हो जाएगा। 18,000 आप वैसे का वैसे रखेंगे, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, और 100 का तो आपका 10,000 हो ही जाएगा। फिर यहाँ पे इसको हम करेंगे सोल्व तो कितना हो जाएगा 315/100, ठीक है भाई। अब इसको कट कर दें हम 30 से, तो 30 कट जाएगा, यहाँ पे 2 से कट हो जाएगा 5 टाइम, और ये 2 से 9 टाइम चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसको इधर भी 5 से कट करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 20, और इधर हो जाएगा 63, ठीक है भाई। और इसको भी हम कर सकते हैं, देखिए 5 से कट तो कितनी बार 4 टाइम, और ये चला जाएगा आपका 9 टाइम, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ चुका होगा, और अब आपका कितना बचा है, ये 9 बचा है, ये 9 बचा है, ठीक है, और इधर आपका कितना बचा है, ये 4 बचा है, ठीक है। तो ये आपका 4 बचा है, तो आपका हो जाएगा ये 81, ये तो 9 की 9 में करेंगे तो 81, और आपका हो जाएगा 63, और डिवाइड बाई 4, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 81 × 63 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5103, और डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा आपका 1275.75 इज द राइट आंसर, ये डिफरेंस आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये है, इसको भी देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सके तो ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं, ए बी मिलकर 8 दिन में करते हैं, बी सी मिलकर 12 दिन में करते हैं, और ए बी सी तीनों मिलकर 6 दिन में करते हैं, ठीक है। अगर मैं इन सभी का एलसीएम ले लूँ, ये 24 आएगा, तो 24 क्या हो जाएगा, टोटल यूनिट ऑफ वर्क आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो टोटल यूनिट ऑफ वर्क है ए और बी मिलकर 8 दिन में कंप्लीट करते हैं, वो आपका 8 हो जाएगा, ठीक है भाई, सॉरी 24 हो जाएगा, 8 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इनका एक एक दिन का वर्क निकाल लेंगे कि एक दिन में कितना करते हैं। 24 को अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूँ तो ए और बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट वर्क करते हैं, 24 को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूँ तो बी और सी एक दिन में 2 यूनिट वर्क करते हैं, फिर 24 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूँ तो ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट वर्क करते हैं। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे, हमें किससे पूछा है, ए और सी का। अभी हमें ए बी सी का सेपरेट वर्क तो नहीं पता है, ए और बी का पता है, बी और सी का पता है, और ए बी सी का पता है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ए बी सी का पता है, अगर मैं ए बी सी में से बी और सी माइनस कर दूँ ये दोनों, तो बचेगा क्या, ए का। तो अगर इस 4 में से मैं इस 2 को माइनस कर दूँ तो ए का रेशो आ जाएगा हमारे पास, ए का वर्किंग रेशो कितना, 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो ए है अकेला वो एक दिन में 2 यूनिट वर्क करता है। फिर उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ए बी सी में से ए और बी माइनस कर देंगे तो किसका आ जाएगा, फिर जब ए और बी माइनस होगा तो सी का भी आ जाएगा, तो 4 में से अगर 3 को माइनस करें तो सी का भी हमारे पास आ चुका है 1 यूनिट वर्क,
ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा बचा किसका, बी। बी का कैसे निकालेंगे भाई, ए का पता चल चुका है, सी का पता चल चुका है, तो इन तीनों में से इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 2 और 1 3। अगर मैं इन तीनों में से इन दोनों को माइनस कर दूं, ए और सी को, तो बचेगा बी। बी का कितना बच गया, इसका भी 1 ही बच गया है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि ए और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो ए करता है 2 और सी करता है 1, दोनों मिलकर करते हैं 3 यूनिट। टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना, 24, तो 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 8 इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन के भी कर लेते हैं, क्योंकि जब सभी चैप्टर हम कवर कर ही रहे हैं तो कोई भी चैप्टर बचना नहीं चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको सारे चैप्टर कराऊंगा, मिक्स क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, एक एक दो दो क्वेश्चन सभी चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे कवर करा दूंगा। ग्रुप डी का एग्जाम है, ज़्यादा हाई लेवल के भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये भी गारंटी की बात है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले मैं सारे पेपर देख चुका हूँ आपके उठा के, ALP और टेक्नीशियन से आपका इजी पेपर आने वाला है, इस चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप पढ़ाई बंद कर दें, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, घंटे बढ़ा दीजिए, अगर आप 12 घंटे करते हैं तो 15 कर दीजिए, और उस घंटे में, उन घंटों में पढ़ाई होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप बुक लेके बैठे हैं कि मेरा एग्जाम है तो मुझे पढ़ाई करनी है, अगर प्रेशर में करोगे तो कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी थी, उसका कुछ भाग उसने 8% लाभ पर तथा शेष भाग 18% लाभ पर बेच दिया, यदि सारी चीनी पर उसे 14% लाभ हुआ तो हो तो 8% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची। उसके पास 1000 किलोग्राम चीनी थी, एक व्यापारी के पास, उसने कुछ 8% पे बेची, कुछ 18% पे बेची, और जो ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ है, जो लाभ हुआ है उसको टोटल, वो 14% का हुआ है, ठीक है। कुछ पे तो उसे 8% का हुआ है और कुछ पे उसे 18 का, बट ओवरऑल देखा जाए तो उसको 14% का लाभ हुआ है। यहाँ पे पूछा है कि कितना पूछा, हाँ 8% लाभ पे उसने कितनी चीनी बेची, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, मिक्सर एलिगेशन वाला ये मेथड लगा के आप आराम से इसको कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर मैं इसको बीच में रख लेता हूँ, जो टोटल उसको प्रॉफिट हुआ है वो 14% का हुआ है, तो उसको हम बीच में रख लेंगे और एक से ये बड़ा होना चाहिए और एक से छोटा होना चाहिए, तो बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ से इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6, और इसको इधर से माइनस करेंगे 4, तो आपका 4:6 का रेशो आ गया है इनका, ठीक है। बट इसको अभी हम कट कर सकते हैं 2 से कट करेंगे 2 टाइम और ये जाएगा 3 टाइम, तो 2:3 का रेशो बन गया है, यानी कि जो 8% पे उसने चीनी बेची है वो 2 बेची है, ठीक है, रेशो के अकॉर्डिंग, और जो 18% पे चीनी बेची है वो 3 के रेशो में बेची है। तो अगर आपको यहाँ पे पूछा है 8% का, तो इन दोनों को प्लस करिए, 1000 किलोग्राम चीनी है तो 1000 को आप कितने से डिवाइड करेंगे, 5 से, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा, 5 होगा, 5 से डिवाइड करिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8% वाला पूछा है तो 2 से, अगर 18% वाला पूछा जाता तो 3 से कर देते, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे 1000 को कितना आएगा, 200 की 2 में करेंगे तो 400 किलोग्राम हो जाएगी। तो 8% पे जो चीनी बेची है वो कितनी थी, 400 किलोग्राम। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि 18% पे कितनी किलोग्राम बेची है, वो हो जाएगी 600 किलोग्राम, सीधा। तो आंसर आपका आ चुका है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको कभी कभी लगता होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पानी को 12 रुपये प्रति किलोग्राम के दूध में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को औसत मूल्य 8 रुपये प्रति किलोग्राम हो। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि पानी दूध में 12 रुपये प्रति किलोग्राम का दूध है और उसमें मिलाना है, तो किस अनुपात में मिलाए कि 8 रुपये प्रति किलोग्राम का दूध बन जाए, ठीक है, वो यानी कि वो मिश्रण, सॉरी, जो मिश्रण बनेगा, जब दूध में पानी मिल जाएगा तो मिश्रण हो जाएगा, तो वो मिश्रण 8 रुपये प्रति किलोग्राम का बन जाए। तो देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट यहाँ पे एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, दूध को तो आपका दे रखा प्राइस 12 रुपये प्रति किलोग्राम है, पानी को आपको क्या मान लेना है, पानी को आपको 0 मान लेना है, ठीक है। यही आपको यहाँ पे समझने की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी कि आप पानी को क्या मानना है, तो पानी को आपको 0 मान लेना है और दूध का आपका 12 हो जाएगा। बनाना कितना है, 8 रुपये प्रति किलोग्राम का आपको बनाना है, तो इसको यहाँ पे 8 लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको हम बिल्कुल इसी तरीके से एलिगेशन लगाएंगे, तो यहाँ पे 0 में से 8 जाएगा तो आपका 8 ही बचेगा, माइनस का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज नहीं करना है आपको कि माइनस का 8 लिखेंगे और वो करेंगे, यहाँ पे से इसको माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो अगर मैं आप देखूँ यहाँ पे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 1:2 का आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है मिक्सर एलिगेशन का तो आप उसको कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 2 नगरों A तथा B के बीच की दूरी 22 किलोमीटर है,
एक साइकिल सवार 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर चलता है, उसके आधे घंटे बाद दूसरा साइकिल सवार 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर चलता है, वे दोनों ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। ए से पूछा है, ए और बी दो है, ठीक है, 22 किलोमीटर की दूरी उनके बीच में है, बीच में दूरी कितनी है 22 किलोमीटर की है। ए से बी की तरफ चलता है वो 8 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, और जो बी से ए की तरफ चलता है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। यहाँ पे पूछा है कि जब ए चलेगा उसके आधे घंटे बाद बी स्टार्ट होगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बी स्टार्ट होगा और यहाँ पे पूछा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा, बी से ए, ए से ए की ओर चलता है, वे दोनों ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। यानी कि अगर ए से नापा जाए, जहाँ पे भी ये मिलेंगे, मान लीजिए यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया, कैसे करना है क्वेश्चन को, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, जो मैंने एक छोटा सा ये डायग्राम बनाया है आपको समझाने के लिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, टोटल देखिए, ये जब आधे घंटे बाद चलेगा तो ये आधे घंटे में कितना चल चुका होगा, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, यानी कि एक घंटे में 8 किलोमीटर चलता है, तो ये आधे घंटे में कितना चल चुका होगा, 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर जब ये चल चुका होगा तब ये स्टार्ट करेगा, तो ये 4 किलोमीटर तो काउंट नहीं करेंगे, ये हमें टोटल डिस्टेंस में से माइनस करने पड़ेंगे, तो बचेगा कितना 18 किलोमीटर। तो 18 किलोमीटर को ये दोनों कवर करेंगे। जब भी कोई पहले चल देता है उसकी स्पीड को हम टोटल डिस्टेंस में से माइनस कर लेते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बचा कितना 18 किलोमीटर, और 18 किलोमीटर में से आपको अब चलना है दोनों को, ठीक है। तो दोनों जब चलेंगे एक दूसरे की तरफ को, तो दोनों की चाल प्लस हो जाएगी भाई, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब भी एक दूसरे की तरफ को चलते हैं तब चाल प्लस हो जाती है, और जब एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तब चाल माइनस हो जाती है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 18 किलोमीटर है ये टोटल डिस्टेंस, तो दूरी तो आपको 18 हो गई, चाल भी आपकी 18 ही हो गई, तो समय कितना हो जाएगा, समय हो गया 1 घंटे, यानी कि 1 घंटे बाद ये मिलेंगे, 18 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटा। शायद ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ, शायद मुझे लग रहा है। तो ये 1 घंटे बाद ये मिलेंगे, अब आपको क्या पूछा है, ये नहीं पूछा कि 1 घंटे बाद मिलेंगे 2 घंटे बाद, यहाँ पे पूछा कि ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो यहाँ से एक जो जब यहाँ से चलेगा ए, तो कितना चलेगा 8 घंटे में 8 किलोमीटर, और 4 किलोमीटर ये पहले चल चुका है, तो ये ए के घर से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे, ठीक है भाई, समझ गए ना आप, 4 + 8 यहाँ पे 12 किलोमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और बता देता हूँ, अगर समझ में आ गया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है भाई। इससे पूछा है कि ए के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो ए 4 किलोमीटर तो ऑलरेडी चल चुका था ना, अब यहाँ से 1 घंटे स्टार्ट हुआ होगा, ये 1 घंटे में कितना चलेगा 8 किलोमीटर, 4 ऑलरेडी चल चुका है, तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, 12 किलोमीटर हो गया ना, तो 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे ए के घर से। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आर तथा एस एक दूसरे की ओर प्रातः 10 बजे क्रम 3 किलोमीटर प्रति घंटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं, आरंभ में उनके बीच की दूरी 17.5 किलोमीटर है, वे कितने बजे मिलेंगे। यहाँ पे पूछा गया टाइम, तो बिल्कुल सीधा सीधा सा है, रेलवे परीक्षा 2006 में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे, अभी भी पूछे जा सकते हैं। तो आर और एस दो आदमी है, या फिर कुछ भी मान लीजिए, मूविंग ऑब्जेक्ट है, जो कि यहाँ पे दोनों के दोनों 10 बजे से मूव करना स्टार्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ को, ठीक है, और डिस्टेंस इनके बीच में 17.5 किलोमीटर की है। तो ये बिल्कुल अच्छी बात है कि दोनों एक ही टाइम पे चलना स्टार्ट करते हैं, दोनों की चाल अलग अलग है। हाँ, यहाँ पे ध्यान आपको क्या रखना है, दोनों एक दूसरे की तरफ को चल रहे हैं तो दोनों की चाल प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो डी टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डी अपॉन एस प्लस एस टू हो जाएगा, ठीक है भाई। जब भी हम टाइम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को हम स्पीड से डिवाइड कर देते हैं, बट स्पीड यहाँ पे दोनों को स्पीड प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे की तरफ को दो मूविंग ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 17.5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, डिवाइड करना है 3.4 से, तो कितना हो जाएगा, 17.5 को डिवाइड करेंगे 70 से, तो कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे भाई 70 से, क्यों किया है, क्योंकि आप एक पॉइंट मैंने हटा के जीरो बढ़ा लिया, ठीक है। तो 3 + 4 आपका 7 हो जाएगा, और ये 175 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, डिवाइड करेंगे 70 से, तो ये हो जाएगा 2 complete 35/75, तो 35 से 70 चला जाएगा 2 times, 1/2 हो जाएगा, यानी कि 2 complete 1/2 आर में ये दोनों मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए कि किस टाइम मिलेंगे, अब इसको हम मिनट में बदल लेते हैं, 1/2 आ जाएगा, जो इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 60 को कट करेंगे 30 मिनट, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट में ये मिलेंगे। तो यहाँ पे चलना इन्होंने किस टाइम से स्टार्ट किया था, 10 बजे से, तो 10 के बाद 2.5 घंटे लगा लीजिए, 10 से 11, 11 से 12, 12:30 पे, दोपहर के 12:30 पे ये दोनों मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अब देखिए ये वाले क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। एक व्यक्ति अपने घर से दफ्तर साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जाने पर वह केवल 3 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके घर से दफ्तर तक दूरी कितनी है? अब मैंने एक गोला इसलिए कर रखा है इन पे कि बहुत से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है। इसमें ट्रिक तो मैं आपको बता दूंगा, बट जब क्वेश्चन करते हैं उस टाइम पे कन्फ्यूजन हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप इजिली कर लेंगे अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं। 15 मिनट की अगर ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये चलता है एक व्यक्ति है अपने घर से दफ्तर जाता है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो जब वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। जब वो 10 किलोमीटर अपनी चाल को बढ़ाता है तो वो कर देता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो अब वो 3 मिनट की देरी से पहुंचता है। अब दोनों साइड में वो देरी देरी से पहुंच रहा है, उसने चाल बढ़ाई तब भी देरी से पहुंच रहा है, तो इसका मतलब आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब भी दोनों साइड में देरी देरी होगी, ठीक है, यानी कि दोनों साइड में देर से ही पहुंचेगा और स्पीड बढ़ाने के बाद भी, तो जो डेल्टा टी है वो आपको माइनस करके लिखना है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस लिखना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 15 और 3 का 12 डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ट्रिक आपकी कंप्लीट हो चुकी है, बस अब आपका यही डेल्टा टी इसमें थोड़ा सा अजीब सा लगता है जो समझ में नहीं आते हो, बाकी चीज़ तो सिंपल है। डिस्टेंस आपको निकालना है डेल्टा टी इंटू एस वन इंटू एस टू अपॉन में एस वन और एस टू का डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पे डेल्टा टी आपका कितना होगा? 12 हो जाएगा, डिफरेंस 12 हो जाएगा। क्यों आ जाएगा डिफरेंस? क्यों लेंगे? क्योंकि दोनों साइड में देरी देरी की गई है। अगर यहाँ पे देरी होती, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, तो 12/60 करेंगे क्योंकि ये मिनट है, घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इंटू आपको पहले वाली चाल 8 थी, दूसरे वाली 10 हो जाएगी, दोनों चाल का डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस भी तो लेना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2। ये 2 से डिवाइड कर देंगे, तो अब यहाँ पे इसको सोल्व कर लीजिए, कितना होगा? 12/5 60, ये तो सीधा सीधा कट जाएगा, 2 से 10 कट जाएगा 5 टाइम, तो कितना बचा? 5 और 8, तो 8/5 40, और नीचे कितना बचा? 5, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 8 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी घर से दफ्तर के बीच में, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब ये और समझ लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है ये इसमें बोला गया है एक विद्यालय की बस किसी गांव से विद्यालय तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 8 मिनट देरी से पहुंचती है, परंतु 20 किलोमीटर प्रति घंटा चलने पर जाने पर यह विद्यालय के समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाती है, तो गांव से विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है? अब की बार क्या हुआ, एक बार तो 8 मिनट देरी से पहुंचती है और फिर दूसरे टाइम पे 8 मिनट पहले पहुंच जाती है, पहले और देरी इस पे ध्यान देना है। तो अब की बार जब भी पहले और देरी और पहले पहुंच जाए, यानी कि एक बार तो जल्दी पहुंच जाए या फिर एक बार देर पहुंचे और फिर एक बार जल्दी पहुंच जाए, तो उन दोनों के टाइम को आप प्लस कर लेते हैं, ठीक है, तो वही आपका डेल्टा टी हो जाएगा। और स्पीड वन स्पीड टू का डिफरेंस ये तो आपको सभी को पता ही है, तो 18/60 हो जाएगा क्योंकि पहले 8 मिनट से लेट पहुंचती थी बस, और दूसरे टाइम पे ये 10 मिनट पहले पहुंच जाती है, तो दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 18/60। स्पीड वन कितनी थी? 12, और दूसरे टाइम पे कितनी होगी? 20 अपॉन में 12 और 20 का डिफरेंस कितना है? 8, तो इन दोनों का डिफरेंस भी आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब इनको जितना कट हो सकता है उसको कट कर देते हैं, जैसे ये हो जाएगा आपका 36/18 और 6 से कट जाएगा 10 बार, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, ठीक है, 2 से ये कट जाएगा आपका 10 टाइम, तो कितना बच गया आपका? ऊपर बच गया 3 × 3 × 10 और नीचे बच गया आपका 10, तो कितना होगा? ये हो जाएगा 90, 3 और 3 की 9 और 9 की 10 में करेंगे 90 और नीचे 10, तो 90 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा आपका? 9 किलोमीटर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपके लिए पूरी मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और देखिए जितनी भी PDF मैं अपलोड कर रहा हूँ उन सभी को, मतलब जितनी भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उन सभी की PDF टेलीग्राम में अभी अपलोड कर रहा हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से भी कराइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, बस यही मैं आपसे चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।